हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जब समान प्रकृति वाले दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, उसके सूत्र और इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए, जब समान प्रकृति वाले दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रित विलयन की मोलरता ज्ञात करना यह समान प्रकृति से क्या मतलब है। समान प्रकृति का मतलब है यदि दो या दो से अधिक विलयन अम्ल हो, क्या हो, अम्ल हो, क्योंकि अम्ल में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं। जैसे HCl, H2SO4, और नाइट्रिक अम्लों को आपस में मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को आपस में मिलाते हैं तो प्राप्त जो मिश्रित विलयन होगा उसी मोलरता क्या होगी। तो चूंकि इन अम्लों या विलयनों की प्रकृति जो है H प्लस निकालने की है जलीय विलयन में, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समान प्रकृति वाले, क्या क्या कहलाएंगे, समान प्रकृति वाले। तो समान प्रकृति वाले विलयनों का अर्थ है कि वे विलयन क्या हो, अम्ल होने चाहिए या दो या दो से अधिक जो विलयन है वो क्या होने चाहिए, क्षार हो, क्षार हो, क्या हो, क्षार हो। तो क्षार है तो इनमें जो है क्या उपस्थित होता है जलीय विलयन में, हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन उपस्थित होता है। जैसे NaOH को, KOH को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इत्यादि क्षार को,
क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो प्राप्त मिश्रित विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये क्षारक हैं तो समान प्रकृति वाले विलयन कैसे कहलाएंगे, क्योंकि ये जलीय विलयन में समान प्रकार के क्या निकलेंगे, OH आयन। इनकी प्रकृति कैसी है, हाइड्रॉक्सिल आयन निकालने की है, इसलिए ये जो हैं विलयन जो हैं क्षारक जो हैं क्या कहलाएंगे, समान प्रकृति वाले कहलाएंगे। ठीक है, समान प्रकृति वाले विलयन क्लियर हो गया, यानी ये जो विलयन है दो या दो से अधिक विलयन जो है समान प्रकृति वाले, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो, यानी उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विलयन में H प्लस आयन निकालने की, यानी सभी विलयन जो है अम्ल हो या सभी विलयन जो है जलीय विलयन में OH आयन निकालने की, यानी सभी जो विलयन है वो क्या हो, क्षारक हो। तो जब दो या दो से अधिक अम्लों को आपस में मिलाते हैं तो प्राप्त मिश्रित जो अम्ल आएगा उसकी मोलरता कैसे निकालेंगे, या जब दो या दो से अधिक क्षारकों को आपस में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रित क्षारक की मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही सिखाने वाला हूँ। आइए, केस फर्स्ट, यदि दो समान प्रकृति वाले विलयनों को आपस में मिश्रित करते हैं तो मिश्रित विलयन की मोलरता विलयन फर्स्ट विलयन सेकेंड, इसकी जो मोलरता है M1 और जो इसका वॉल्यूम है वो V1 है, इसकी जो सांद्रता है वो M1 और जो आयतन है फर्स्ट विलयन का वो V1 है, और सेकेंड विलयन की जो सांद्रता है वो M2 है और सेकेंड विलयन का जो आयतन है वो V2 है। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, मिश्रित मिक्स्ड, तो मिश्रित जो विलयन है उसकी मोलरता जो है, सांद्रता जो है M मान लेते हैं, और मिश्रित विलयन का जो आयतन है वो कितना मान लेते हैं, V, कितना मान लेते हैं, V। तो मिश्रित विलयन कब मिश्रित होगा, जब विलयन फर्स्ट और विलयन सेकेंड आपस में मिलाते हैं, विलयन फर्स्ट एंड विलयन सेकेंड जब आपस में मिलाते हैं तब जो विलयन होगा
और मिसिस विलियन कहलाएगा। तो फर्स्ट विलियन और सेकेंड विलियन को आपस में मिक्स किया जाता है तो मिसिस विलियन प्राप्त होता है, तो ये मिसिस विलियन हो गया। यानी इसका जो है इस विलियन का M1V1 प्लस इस विलियन का M2V2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, MVA। तो मिली मोल किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या और विलयन के आयतन किसमें, मिलीलीटर में, के गुणन फल को विलयन का मिली मोल कहते हैं। इसे एम भी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन, अब विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में, की गुणनफल को मिली मोल कहते हैं। यानी विलयन का जो मिली मोल है वो एम भी होता है, और एम क्या होता है, विलयन की मोलरता, भी विलयन का जो है क्या है, आयतन। तो ध्यान से देख लीजिए, अब यहाँ पे था कि एक विलयन फर्स्ट है और दूसरा विलयन जो है सेकंड है, इसकी इस विलयन की जो मोलरता है वो M1 है और इस विलयन का जो आयतन है वो V1 है। इसी प्रकार जो सेकंड विलयन है इसकी मोलरता जो है M2 और जो विलयन का आयतन है वो V2 है। V2 किस में, मिलीलीटर में। यहाँ भी किस में है, मिलीलीटर में। तो जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मिश्रित विलयन प्राप्त होता है। तो फर्स्ट विलयन का मिलीमोल प्लस सेकेंड विलयन का मिलीमोल, फर्स्ट विलयन प्लस सेकेंड विलयन इज इक्वल टू मिश्रित विलयन का मिलीमोल। इसलिए एम भी इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, M1V1 प्लस M2V2। क्लियर हो गया। जब दो विलयन है और एक विलयन का जो फर्स्ट विलयन है इसका मिलीमोल जो है M1V1 है और सेकेंड विलयन का जो मिलीमोल है M2V2 है, इन दोनों विलयनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रित विलयन प्राप्त होता है। तो मिश्रित विलयन का जो कुल मिलीमोल आएगा वो दोनों विलयनों के मिली मोल के योगफल के बराबर होगा। इसलिए एम भी इक्वल टू जो है M1V1 प्लस M2V2 ये आएगा।
और यहाँ से जब हम निकालेंगे फार्मूला एम इज्क्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपान वी। और ये वी क्या है, वी है वी वन प्लस वी टू, यानी वी जो है मिश्रित विलयन का आयतन है। किसका आयतन है, मिश्रित विलयन का, मिश्रित विलयन का आयतन है। और किसके बराबर होगा, विलयन फर्स्ट का जो आयतन होगा और विलयन सेकंड का जो आयतन होगा उसकी योगफल के बराबर। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपान वी वन प्लस वी टू। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला कैसे आया, उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को यह फार्मूला समझ में आया होगा। सेकेंड केस, जब दो या दो से अधिक विलयनों को, दो या दो से अधिक किस प्रकृति वाले, समान प्रकृति वाले, जब दो या दो से अधिक समान प्रकृति वाले विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रित विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ दिया गया है विलयन फर्स्ट, विलयन सेकेंड, विलयन थर्ड। तो फर्स्ट विलयन का जो मिली मोल है वो एम वन वी वन है, यानी विलयन फर्स्ट विलयन की मोलरता एम वन और विलयन का आयतन वी वन है। सेकेंड विलयन का मिली मोल एम टू वी टू, विलयन सेकेंड का जो मोलरता है एम टू है और आयतन जो है वी टू है। इसी प्रकार विलयन थर्ड है जिसकी मिली मोल जो हैं एम थ्री वी थ्री हैं, यानी थर्ड विलयन का जो मोलरता है एम थ्री है और आयतन जो है वी थ्री है। इन तीनों विलयनों को आपस में मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने के बाद जो मिश्रित विलयन आता है उसकी मोलरता जो है कैपिटल एम, और जो मिश्रित विलयन का आयतन है वो वी मान लिया गया, यानी मिली मोल कितना हो गया एम वी। वी क्या है, मिश्रित विलयन का आयतन इक्वल टू पहले विलयन का आयतन प्लस दूसरे विलयन का आयतन प्लस तीसरे विलयन का आयतन प्लस डॉट डॉट। हो सकता है कि विलयन फोर हो जाए, हो सकता है विलयन फाइव आ जाए, तो डॉट डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हो गया, मिश्रित विलयन के मिली मोल इक्वल टू फर्स्ट विलयन का मिली मोल प्लस सेकेंड विलयन का मिली मोल प्लस थर्ड विलयन का मिली मोल, इसके बाद फोर्थ विलयन आता है तो फोर्थ विलयन का मिली मोल। तो एम वी इक्वल टू जो है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस डॉट डॉट। ये करेंगे कुल मिश्रित विलयन के मोलों की संख्या इक्वल टू जितने भी विलयन हैं समान प्रकृति वाले उनको मिलाने पर उन विलयनों के मिली मोलों के योगफल के बराबर होती है। तो फार्मूला क्या निकला, एम इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस डॉट डॉट इक्वल डॉट डॉट, यानी फर्स्ट विलयन का मिली मोल, सेकेंड विलयन का मिली मोल, थर्ड विलयन का मिली मोल, हो सकता है चौथा विलयन हो तो उसके मिली मोल अपान विलयन का कुल आयतन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट डॉट। उम्मीद करता हूँ कि यह फार्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा, यह सूत्र आप लोगों को समझ में आया होगा। सूत्र बहुत ही आसान है कि जो मिश्रित विलयन है उसका मिली मोल हम लोग मान लेते हैं एम वी है, एम जो है विलयन की मिश्रित विलयन की मोलरता है और वी जो है मिश्रित विलयन का आयतन है। वो किसके बराबर होगा, जितने भी समान प्रकृति वाले विलयनों को आपस में मिलाते हैं उनके मिली मोलों की संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। इस प्रकार यह फार्मूला हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, फार्मूला कोई कठिन फार्मूला नहीं है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M/10 H2SO4 50 मिलीलीटर और M/2 HCl 20 ml विलयनों यानी ये दोनों अम्ल हैं, इन दोनों अम्लों को आपस में मिश्रित किया जाता है तो परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करना। तो फर्स्ट विलयन जो है और प्रकृति इनकी समान क्यों है, क्योंकि दोनों क्या हैं, अम्ल हैं, और ये जो है इनका जो जली विलयन है वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। इसलिए चूंकि दोनों अम्ल हैं तो इन दोनों विलयनों की प्रकृति क्या है, समान है। तो फर्स्ट विलयन जो है H2SO4 है जिसकी मोलरता M1 कितना हो जाएगा, 1/10, और आयतन कितना दिया हुआ है, V1=50 मिलीलीटर। तो मिलीमोल कितना होगा, M1V1=1/10×50 कितना हो जाएगा, 5 ये आ जाएगा। जो हमारा सेकेंड अम्ल है इसके मोलरता M2=2 कितना लिखा हुआ, M/2 यानी कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका जो आयतन है वो 20 मिलीलीटर। तो 20 मिलीलीटर और इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे, M2V2=1/2×20 यानी कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक। और चूंकि ये दोनों को आपस में मिक्स किया गया तो फार्मूला क्या बनेगा, M=M1V1+M2V2/V1+V2 ये फार्मूला बना। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बहुत कठिन न्यूमेरिकल नहीं है। मिश्रित विलयन का कुल आयतन कितना होगा साथियों, V1+V2, और V1 कितना है, 50 मिलीलीटर, और V2 कितना है, 20, यानी टोटल V=2 कितना आएगा, 70 मिलीलीटर ये है। तो यहाँ से M1V1 कितना आया, 5, और M2V2 कितना आया, 10, टोटल कितना आया, 70, यानी यहाँ से M=15/70। इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है पॉइंट में तो आसान है, क्या होगा, M=15/70 यानी M=01.5/7। अब यहाँ से 1.57 0.2 2 2 14 और यहाँ से आया 1, फिर 0.17 3 आया, फिर यहाँ से 3 20, अब 4 आएगा 28 7 4 28 28, फिर यहाँ पे 2, फिर इसी हिसाब से हम डिवाइड करते जाएंगे, यानी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी इसकी, M=0.214 आएगी। यानी मिश्रित विलयन की जो मोलरता है, मिश्रित विलयन की इसको कैलकुलेट करने के बाद मिश्रित विलयन की जो मोलरता है वो कितनी वैल्यू आएगी, 0.214 ये है आंसर। तो ध्यान से इसे देख लीजिए, सिर्फ फार्मूले पे पुटअप करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन, अब विलयन किस प्रकार का है, NaOH कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये विलयन जो है क्षार की तरह है, यानी इनका जली विलयन जो है लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है, यानी इसी प्रकृति जो है ऐसी क्षारी है, यानी समान प्रकृति वाले हैं। तो M/3
मोलर का है कास्टिक सोडा कितने मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर। M/5 कार्टिक पोटास कितने मिलीलीटर लीटर है, 50 यानी 50 मिलीलीटर है। और M/10 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मिलीलीटर है इसका, 20 मिलीलीटर है इसका। इन विलयनों को आपस में मिश्रित किया गया, परिणामी विलयन रिजल्टेंट विलयन की क्या निकलना है, मोलरता ज्ञात करनी है। यानी NOH पहला विलयन जो है NOH है, इसकी मोलरता कितनी हो गई, M1=1/3 और आयतन कितना हो गया साथियों, 30 मिलीलीटर। और इसका मिलीमोल M1V1=1/3×30 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कैलकुलेट करने पे। सेकेंड विलयन क्या है, KOH, और KOH फर्स्ट मोलरता कितनी हो गई, M2=1/5 और आयतन कितना हो गया, 50 मिलीलीटर। तो मिलीमोल कितना हो जाएगा, M2V2 कितना हो जाएगा, 1/5 × कितना हो जाएगा, 50। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू 10 आएगी कैलकुलेट करने पर। और थर्ड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी मोलरता M3 कितना दिया हुआ है, 1/10 और इसका आयतन V3 कितना दिया है, 20 मिली लीटर और इसका मिलीमोल M3V3 कितना हो जाएगा, 1/10×20 कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू जो है मिलीमोल की 2 आएगी। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला 3 बिलियन है तो फार्मूला बनेगा M=M1V1+M2V2+M3V3/V1+V2+V3 ये वाला फार्मूला बनेगा। फार्मूला कैसे आया वो भी बता दिया, बहुत ही आसान फार्मूला है। और V=V1+V2+V3 कितना आया, कितना है, 30+50+20 यानी 100 मिलीलीटर ये है। तो यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस M2V2 की वैल्यू कितनी है, 10 M1V1 की वैल्यू 10 हो गया, M2V2 की वैल्यू 10 और M3V3 की वैल्यू कितनी है, 2 अपान टोटल कितना है, 100 यानी कितना हो जाएगा, 22/100 कैलकुलेट करेंगे पॉइंट में 0.22 यानी जो मिश्रित विलयन है इसकी जो मोलरता होगी, मिश्रित विलयन की जो मोलरता होगी कितनी आएगी कैलकुलेट करने के बाद, 0.22 ये है आंसर। ध्यान से देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान है। और इसी तरह जब दो या दो से अधिक समान प्रकृति वाले विलयन आपस में मिलाए जाते हैं और उनकी मिश्रित विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, इसी तरीके से मिश्रित विलयन की मोलरता ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये दोनों आंकिक प्रश्न समझ में आया होगा आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अलग हटके है, देख लीजिए। 0.25 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 100 मिलीलीटर, 0.15 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल 40 मिलीलीटर और M/5 नाइट्रिक अम्ल 60 मिलीलीटर इनको आपस में मिश्रित किया जाता है और मिश्रित करके प्राप्त परिणामी विलयन का आयतन जो है 500 मिलीलीटर कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है,
500 मिलीलीटर कर दिया जाता है। तो परिणामी रिजल्टेंट विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 विलयन हैं, 3 सॉल्यूशन हैं और तीनों जो हैं एसिड हैं, समान प्रकृति वाले हैं। तो HCl दिया हुआ है और इसका जो है मिलीमोल जो है M1V1 इक्वल टू आएगा 0.25 × 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से 25 आया मिलीमोल। और सेकेंड जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जो मिलीमोल होगा M2V2 इक्वल टू हो जाएगा 40 यहाँ से हो जाएगा 60 यहाँ से आएगा। इसकी वैल्यू जो है 6 आएगी। कितनी आएगी? 6 आएगी। इसकी वैल्यू 6 आएगी। और जो थर्ड है वो नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड का जो मिलीमोल है वो है M3V3। इसकी वैल्यू है 1/5 और जो वैल्यू है 60 है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो जो है 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे मिश्रित विलयन का अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो मिश्रित विलयन का जो आयतन है वो V1+V2+V3, ये ध्यान रखना है कि कितना है। इसका 100 है और V2 कितना है? 40 है साथियों, और जो V3 है वो 60 है। तो ये टोटल जो है कितना मिलीलीटर है? 200 मिलीलीटर। लेकिन प्रश्न में जो है कितना हो जाता है मिश्रित विलयन का आयतन? 500 यानी 500 मिलीलीटर हो जाता है। और मिक्स करने के बाद कितना आ रहा है? 200 मिलीलीटर आ रहा है। तो ये वाला जो है मिश्रित विलयन, जब इस प्रकार का प्रश्न